हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हवा का झोंका पे। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही प्यारी सी एक इमोशनल लव स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। यह स्टोरी दो अलग अलग गांव में रहने वाले प्रेमियों की है, जो कि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उनके इस प्रेम के बारे में इनके घर वालों को जरा भी खबर नहीं होती है। यह प्रेम कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक लड़के की है और गांव के लोग हमेशा यही चाहते हैं कि उनके बच्चों का विवाह उनकी जात बिरादरी के अंदर ही हो, ना कि उससे बाहर। अभिषेक और माधुरी की बिरादरी भी अलग अलग थी, इसलिए उन्हें इस बात का भी डर सताता रहता था। यूं ही रोज रोज अभिषेक का घर से एक ही समय पर निकलना और पास के गांव में जाना उसके पिताजी को थोड़ा अजीब लग रहा था कि यह रोज इसी समय पर रोज क्या करने जाता है। तो एक दिन अपने शक को दूर करने के लिए उसके पिताजी ने उसका पीछा करने की सोची और उसके पिता ने अगले दिन ही अभिषेक का पीछा किया। जब अभिषेक दूसरे गांव पहुंचा तो उसके पिता ने देखा कि वह तो बगल के गांव के जमींदार की बेटी माधुरी से मिल रहा है और उसके साथ गले लग रहा था। यह सब देख उसके पिताजी को काफी शर्मिंदगी महसूस हुई और वह वहां से चले गए। जैसे ही थोड़े समय बाद जब अभिषेक घर पहुंचा तो उसके पिता ने उससे पूछा कि आज तुम बगल के गांव में क्या कर रहे थे। तो अभिषेक ने बोला, कुछ नहीं पिताजी, मैं तो बस अपने दोस्त से मिलने गया था। उसके मुंह से झूठ सुनते ही उसके पिता गुस्से में आकर उसको एक तमाचा लगाया और कहा कि दोस्त से मिलने गए थे या अयासी करने गए थे। मैंने तुम्हें आज बगल के जमींदार की बेटी के साथ देखा था क्या कर रहे थे, तो तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? अपने माँ बाप का नाम तुम इस कदर डुबा रहे हो, वो तो शुक्र मनाओ कि मैंने आज तुम्हें देख लिया। अगर गांव का कोई व्यक्ति देख लेता तो बदनामी होती वो अलग, और उस लड़की के भाई तुम्हारे हाथ पैर तोड़ते वो अलग। अभिषेक अपनी की गई गलती पर शर्मिंदा होता है और अपने पिता से कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे आपको यह बात पहले ही बता देनी चाहिए थी कि मैं माधुरी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके बिना एक पल भी नहीं जी सकता। यह सुनते ही उसके पिता उससे कहते हैं कि बेटा देखो, ये बात तुम्हें भी पता है कि हमसे हैसियत में कितने बड़े हैं वो लोग, और वो तुम्हारे इस रिश्ते को कभी नहीं स्वीकारेंगे, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम उसे भूल जाओ। अपने पिता की बातें सुनकर अभिषेक काफी मायूस हो जाता है और वह पूरी तरह टूट जाता है। दोस्तों, काफी दिन बीत जाते हैं, अभिषेक और माधुरी एक दूसरे से नहीं मिले होते। इधर माधुरी काफी परेशान होती है कि कुछ दिनों से अभिषेक उससे मिलने क्यों नहीं आ रहा। कुछ दिन और बीत जाने के बाद माधुरी को और टेंशन होने लगती है, इसलिए बात की जड़ तक पहुंचने के लिए वह अभिषेक के गांव की तरफ अभिषेक से मिलने के लिए निकल लेती है। जब वह रास्ते में चल रही है तो अचानक उसकी टक्कर एक लड़के से हो जाती है और वो लड़का कोई और नहीं अभिषेक ही होता है, और वह उसको देखते ही उसके गले लग जाती है और रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है, और वह उससे कहती है कि तुम मुझसे इतने दिनों में मिलने क्यों नहीं आ रहे थे, पता है मैं कितना परेशान हो रही थी, कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया, पर शुक्र है कि तुम ठीक हो। इतने में अभिषेक माधुरी को चुप कराता है और उसको अपनी सारी बात बता देता है कि उसके पिता ने उसको तुमसे मिलते देख लिया था और हमें एक दूसरे को भूल जाने को कहा है। इतने में माधुरी अभिषेक से कहती है कि तुम्हारा प्यार क्या इतना ही सच्चा है कि एक मुसीबत आने पे तुम हमारे प्यार को ही भूल जाओ? अगर मुसीबत आई है तो हम दोनों डटकर सामना करेंगे, मैं आज ही अपने पापा से तुम्हारी बात करूंगी, हम एक दूसरे को कितना चाहते हैं। इतने में अभिषेक माधुरी से कहता है कि
कि नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम अपने परिवार के सामने शर्मिंदा हो और उनका दिल दुखे, इसलिए बेहतर यही होगा हम अब एक दूसरे को भूल जाएं। इतना कहकर अभिषेक वहां से चला जाता है, पर वो मन ही मन बहुत रो रहा होता है कि उसका इतने सालों का प्यार अब खत्म हो जाएगा। माधुरी भी काफी उदास होकर घर पहुंचती है, पर वह अभिषेक की बात को ना मानते हुए अपने पिता से अपने रिश्ते का खुलासा कर देती। वह बताती है कि वो अभिषेक से कितना प्यार करती है। यह सुनकर माधुरी के पिता उस पर काफी गुस्सा होते हैं, इस बात पर नहीं कि उसने प्यार किया, बल्कि इस बात पर कि उसने एक किसान के बेटे से प्यार किया। उसके पिता कहते हैं, चाहे तुम जीते जी मर जाओ, पर तुम्हारी शादी उससे कभी नहीं कराऊंगा। तुम्हें हमारी हैसियत देखकर प्यार करना चाहिए था, हमारी भी इज्जत है। अगर तुम्हारी शादी उस लड़के से होगी तो हमारी पूरे गांव में बेइज्जती हो जाएगी, और यह मैं जीते जी कभी नहीं होने दूंगा। माधुरी के लाख मना करने के बावजूद भी उसके पिता उसकी बात नहीं मानते हैं और उसको एक कमरे में बंद कर देते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद माधुरी के पिता उसकी शादी अपने एक दोस्त के बेटे के साथ पक्की कर देते हैं। माधुरी इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, पर अपनी नाक कटने के डर से उसके पिता को यह फैसला मजबूरन लेना पड़ा। माधुरी की शादी की खबर सुनकर अभिषेक को झटका लग गया था और वह काफी दुखी हो गया था। माधुरी की शादी होने में सिर्फ 2 ही दिन रह गए थे, पर माधुरी को यह जरूर पता था कि अभिषेक के दिल में भी अब भी उसके लिए प्यार जिंदा है। माधुरी की शादी को 2 महीने ही रह गए थे। माधुरी पूरी तरह से टूट चुकी थी, पर माधुरी को ये जरूर पता था कि अभिषेक के दिल में भी अभी भी उसके लिए प्यार जिंदा है। उसके अगले दिन ही माधुरी ने ठाना कि अगर मैं जीऊंगी तो अभिषेक के साथ ही, और अगर मैं मरूंगी भी तो अभिषेक के साथ ही। और इसी इरादे के साथ वह अपने कमरे की खिड़की से भाग गई और सीधा अभिषेक के पास जा पहुंची। जब वह अभिषेक के पास पहुंची तो अभिषेक उसे देखकर बहुत खुश हो गया और वह एक दूसरे को देखते ही गले लग गए। फिर माधुरी ने उसे बताया कि वह सब कुछ छोड़कर उसके पास आ गई है, चाहे कैसे भी हालात हो वह उसके साथ जीना और मरना चाहती है। उसकी ये बातें सुनकर अभिषेक भी काफ़ी इमोशनल हो गया और उसने भी उसको जीने से लेकर मरने तक का साथ निभाने का वचन दिया। इतने में माधुरी के घर वाले देखते हैं कि माधुरी घर पर नहीं है, वह घर से भाग गई है। इतने में उसके पिता का शक सीधा अभिषेक पर जाता है कि वह उसी के घर भागी होगी, इसलिए अपना वक्त जाया ना करते हुए उसके पिता अपने आदमियों के साथ सीधा अभिषेक की घर की तरफ निकलते हैं। जितने में अभिषेक और माधुरी वहां से कहीं दूर जाने की सोच रहे होते हैं, इतने में माधुरी के पिता वहां पहुंच जाते हैं और उसको वहां से ही ले जा रहे होते हैं। कितने में अभिषेक माधुरी के पिता से प्रार्थना करते हैं कि हमें अलग मत करिए, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, पर माधुरी के पिता उसकी एक बात नहीं सुनते और उसको गोली मारकर हत्या कर देते हैं। यही सोचकर अब ये लड़का ही नहीं रहेगा तो माधुरी भी अब कहीं नहीं जाएगी और उनकी गांव में बेइज्जती होने से बच जाएगी। अभिषेक अब मर चुका था और अगले दिन माधुरी की शादी होनी थी, पर माधुरी इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, बल्कि वह तो अब अभिषेक के गम में डूब चुकी थी और उसने यह वचन लिया कि अगर जिएगी तो अभिषेक के लिए और मरेगी तो अभिषेक के लिए। अब शादी होने में सिर्फ कुछ ही समय रह गया था, पर माधुरी अभी तैयार नहीं हुई थी। यही गम में सोचते सोचते अचानक उसकी नजर चूहे मारने वाली दवाई पर पड़ती है और बिना सोचे समझे वह उस दवाई को उठा लेती है और उसे खा लेती है। यह सोचकर कि अब जीते जी तो वह उसकी ना हो सकी, पर मरकर उसकी हो सकती है, और
उसके कुछ पल बाद ही माधुरी की मौत हो जाती है।